लिमिट सीरीज में ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था कि हम लिमिट होता क्या है, हम कब लिमिट को यूज करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ा था। टोटल हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं जिसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, एक वो हमारे पास 4 फॉर्म्स है और 3 हमारे पास एक्सपोनेंशियल इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म था अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में, वो 0 बाय 0 फॉर्म था। उसके बारे में हमने काफी डिटेल से पढ़ा पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम उस पर डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंस टू 5 अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। ये हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म है क्योंकि अगर इसमें हम एक्स की जगह पर 5 लगाएंगे यहाँ पर, तो अंडर रूट 5 माइनस 1 से अंडर रूट 4 आ जाएगा जो कि 2 के बराबर हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 से हमारे पास ऊपर 0 आया। इसी तरह नीचे अगर एक्स की जगह 5 लगाएंगे तो 5 माइनस 5 से 0 आएगा। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है। अब इसको हमने करना कैसे है, चूंकि आप लोगों ने टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता, कम से कम टाइम में इसको करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक रूल यूज करते हैं जिसको कहा जाता है एल हॉस्पिटल रूल, और कोई इसको लॉपिटल रूल भी कहता है, आपकी मर्जी, आप इसको जो भी कहना चाहे। अब लॉपिटल रूल होता क्या है या एल हॉस्पिटल रूल, इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने ये करना होता है कि जब हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, तो उसमें हम ऊपर और नीचे दोनों का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। याद रखे, डिवीजन में जब हम डेरिवेटिव लेते थे तो हम क्वोशेंट रूल यूज करते थे, लेकिन ये उस तरह नहीं है, ये हम डेरिवेटिव उस तरह नहीं ले रहे लिमिट के लिए। लॉपिटल रूल ये कहता है कि आपके पास जब 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, और तब तक हमने डेरिवेटिव लेते रहना है जब तक हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म खत्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हम इस पर लॉपिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 5 अपनी जगह ऊपर का हम अलग डेरिवेटिव ले लेंगे स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 का और माइनस 2 का, और नीचे जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम अलग डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स माइनस 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 5 फिर अपनी जगह पर, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल से लेंगे, पावर नीचे आ जाएगा और पावर से 1 माइनस, तो 1 बाई 2 माइनस 1 से हमारे पास माइनस 1 बाई 2 आता है। अगेन डेरिवेटिव आप एक्स माइनस 1 लेंगे तो एक्स का 1 और 1 का 0। इसी तरह 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आ जाएगा। नीचे अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1 आएगा और 5 का 0। इसका अलग अलग डेरिवेटिव, क्वोशेंट रूल अप्लाई नहीं करना, ये बात जहन में रखें आप जरूर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 अपनी जगह, अब ये हमारे पास क्या है, फाइनली हमारे पास इस तरह आ जाता है कि 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, इसका पावर चूंकि नेगेटिव है तो ये नीचे जाएगा तो एक्स माइनस 1 पावर 1 बाई 2 हो जाएगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अब जब हमारे पास ये इस तरह सिंप्लीफाई हो गया तो इसमें अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, चूंकि अब ये 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आएगा, ऊपर 1 है। अगर ये फिर से 0 बाय 0 फॉर्म आता तो मैं एक बार फिर इस पर लॉपिटल या एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता। ठीक है, अब लिमिट इसमें पुट कर लेते हैं तो 2, एक्स की जगह 5 लग जाएगा तो 5 माइनस 1 से 4, तो स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर हो जाएगा। तो 1 बाई 2 इंटू 2 से हमारे पास क्या आता है, 1 बाई 4। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। अगर इसमें मैं एक्स की जगह 0 लगाऊंगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 से 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 से 0 आया। नीचे 0 लगाऊंगा तो स्क्वायर रूट 16 से 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस 4 भी 0। इसका मतलब कि ये फिर से 0 बाय 0 फॉर्म है। तो इस पर फिर अप्लाई कर लेते हैं लॉपिटल रूल। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 अपनी जगह ऊपर हम अलग डेरिवेटिव ले लेंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का, और नीचे अलग डेरिवेटिव ले लेंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 का। ठीक है, आप लोग अगर इसके आदि हो गए तो ये बहुत कम टाइम में हो सकता है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप वाइज जा रहा हूँ, वरना तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया करो तो लॉपिटल रूल से नहायत ही कम टाइम में आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर नीचे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह पावर से 1 माइनस कर लो तो 1 बाई 2 माइनस 1 से हमारे पास माइनस 1 बाई 2 आता है। इससे आ जाएगा 0, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 16 के साथ भी पावर रूल उस पर अप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 पावर माइनस 1 बाई 2। यहाँ पर एक और बात, इसका हमने अगेन डेरिवेटिव नहीं लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 2x प्लस 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 का 0। इसी तरह यहाँ पर भी अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा प्लस 16 का 0 और माइनस 4 का भी 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, 1 बाई 2, चूंकि ये तो 0 हो गए तो 1 बाई 2 1 बाई 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास आएगा रिजल्ट वो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0
इसका पावर नेगेटिव है, ये ऊपर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 अंडर द रूट बन जाएगा, और नीचे ये नीचे चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट। ये इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, x की जगह वैल्यू पुट कर लेनी है। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। तो जब x की जगह 0 लगाएंगे तो स्क्वायर रूट 16 से 4 आ जाएगा, और नीचे स्क्वायर रूट 1 से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका जो आंसर बना वो क्या है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट x माइनस 1। अगर इसमें हम 0 लगाएंगे तो 0 स्क्वायर से 0 माइनस 0 से ऊपर 0 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर एक और बात, लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है, फिर तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा। अगर मैं x की जगह 0 लगाऊँ, 1 कर देते हैं ताकि हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, तो ऊपर 1 माइनस 1 से हमारे पास 0 आता है, नीचे भी 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन गया। ठीक है, अब इस पर भी लॉपिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस x का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस स्क्वायर रूट x का, नीचे स्क्वायर रूट x माइनस 1 का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। देखते हैं कि इससे क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपनी जगह, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन जाएगा, स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव पावर रूल से 1 बाई 2 और x पावर 1 माइनस 1 बाई 2 से माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। तो अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट x, ये ऐसे भी आ सकता है, बस इसको जेहन में रख ले, आसान हो जाएगा। स्क्वायर रूट x फिर से आया है तो इसका डेरिवेटिव अगेन 1 बाई 2 स्क्वायर रूट x आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मजीद सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इससे क्या आता है, क्या इससे अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, उसको चेक करते हैं। अब अगर मैं x की जगह पर यहाँ पर 1 लगा लूँ तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2 और नीचे हमारे पास 1 बाई 2 आ जाएगा, तो मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 2 जार 4 माइनस 1 से 3 बाई 2 और नीचे 1 बाई 2 अपनी जगह, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 और टेंजेंट x माइनस 1 डिवाइड बाई 5 बाई 4 माइनस x है, तो अगर इस x की जगह पाई बाई 4 लगा दो तो यहाँ पर टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस 1 आ जाएगा। टेंजेंट 45 हमारे पास 1 के बराबर होता है, टेंजेंट पाई बाई 4 या टेंजेंट 45 1 होता है, तो इसका मतलब कि ऊपर 1 माइनस 1 से आ जाएगा 0, नीचे पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 से भी 0 आ जाएगा। तो ये फिर से हमारे पास 0 बाई 0 फॉर्म आया, एक बार फिर से हमें लॉपिटल रूल इसमें अप्लाई करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 अपनी जगह, डेरिवेटिव हम ले लेंगे टेंजन x माइनस 1 का अलग, और नीचे डिनोमिनेटर में पाई बाई 4 माइनस x का अलग। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 फिर से अपनी जगह पर, टेंजन x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर x, एंगल x है, अगेन लेंगे तो 1 आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, नीचे पाई बाई 4 का 0 होगा और x का 1 तो माइनस 1 आया। तो इसका मतलब कि हम अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, सीकेंट पाई बाई 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सीकेंट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, कास पाई बाई 4 की वैल्यू को अगर देखा जाए तो कास पाई बाई 4 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 बाई 2 होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 और उस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे आया माइनस 4 डिवाइड बाई 2 और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2। इन वैल्यूज पर कि इसकी वैल्यू किस तरह, अगर ये याद रखना आपको मुश्किल है तो इसके लिए मैं एक आसान सा ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आसानी के साथ ये वैल्यूज याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट h टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइड बाई h है। अगर इसमें हम h की जगह 0 लगाएंगे तो स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x से 0 आ जाएगा और नीचे भी 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बना। तो यहाँ पर हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ रही है, उसको आपने इसका ख्याल रखना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर हमारे पास x भी है और h भी, तो आप लोग अगर कोई यहाँ पर d बाई dx करेगा तो समझ लो कि उसका क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसमें किसको देखेंगे, यहाँ पर x की बजाय h भी है, तो यहाँ पर जिस पर लिमिट अप्लाई होना तो हम लॉपिटल रूल रिस्पेक्ट टू उसी का हम डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लेंगे, यहाँ पर h है। अगर x पर लिमिट अप्लाई होता, x टेंड्स टू 0 होता तो मैं d बाई dx लिखता, लेकिन यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है तो ये गलती नहीं करनी, आपने d बाई dh लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, x यहाँ पर एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, नीचे भी हम d बाई dh इंटू h कर लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रखिए आप लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0 अपनी जगह, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे, पावर से 1 माइनस तो x प्लस h पावर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा,
और x प्लस एच का विद रिस्पेक्ट टू h अगेन डिराइवेटिव, तो विद रिस्पेक्ट टू h x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और h का 1 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है तो इसका डिराइवेटिव 0 होगा और नीचे विद रिस्पेक्ट टू h h का डिराइवेटिव 1 आएगा। आप लोग कहेंगे कि x किस तरह से कांस्टेंट, तो इन क्वेश्चन में यही ख्याल रखना है कि जिस पर लिमिट अप्लाई हो बस सिर्फ उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करना है, बाकी सबको एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई 2 इंटू स्क्वेयर रूट x प्लस एच, ये आ गया हमारे पास, इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ पर हमारे पास h है उसमें 0 पुट करें तो 1 वर्स 2 इंटू स्क्वेयर रूट x, ये हमारा फाइनल आंसर बना।